बीएफ स्किनर का जो हमने कंसेप्ट मेंशन किया, बीएफ स्किनर, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट आया ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिहेवियर मोडिफिकेशन, इंसानों का हो एनिमल्स का हो, जो भी बिहेवियरल मोडिफिकेशन होता है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? उसके कंसिक्वेंसेस के ऊपर। जस्ट लाइक वो जो काम करता है उसका जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट के थ्रू उसका बिहेवियर मॉडिफाइड हो जाएगा। ये एक पॉइंट है। ऑलवेज ये पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओटेट में सीटेट में आते हैं। क्या है कि आपका जो कोई भी कैरेक्टर मॉडिफाइड होता है कि नहीं, कैरेक्टर आप में एक पहले से है एंड वो नेक्स्टली क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिसेस के थ्रू मॉडिफाइड हो गया। ये जो प्रैक्टिसेस है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके वर्क के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आपके वर्क से जो रिजल्ट आया उसी के थ्रू ये मॉडिफाइड हो जाता है, ये मॉडिफाइड हो जाता है। सो बीएससी कोई पूछना है कुछ? ओके, सो बीएफ स्किनर ने उसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया एज ए रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है। पैवलोव की थ्योरी को हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोला या फिर कनेक्शनिज्म थ्योरी बिटवीन द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। एंड वहाँ पे आपका थॉर्नडाइक का जो कंसेप्ट था दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या कनेक्शनिज्म थ्योरी, उसको भी कनेक्शनिज्म थ्योरी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो मेंशन है दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट थ्योरी, रिवार्डिंग के बेस्ट है, रिवार्डिंग, ठीक है। आपको जो रिवार्ड्स मिलते हैं ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ये आपके वर्क के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो री इन्फोर्समेंट थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग बिहेवियर बाय कंट्रोलिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर का जो रिजल्ट आता है, आउटकम्स आते हैं, उसी बेसिस पे री इन्फोर्समेंट थ्योरी बनाया गया। दैट मीन्स री इन्फोर्समेंट थ्योरी से एक एनिमल को या फिर कोई भी थिंग को जिसमें जान है और दे आर लिविंग बींग्स और लिविंग, सो उसमें हम मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। So, reinforcement theory proposes that you can change someone's behavior by using reinforcement, punishment, extinction. ये तीन वर्ड को यूज करना है, ठीक है। आपके एग्जाम में कोई वर्ड यूज करो ना करो, यहाँ पे ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है स्किनर के लिए। स्किनर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिस थ्री वर्ड्स आर मेन वर्ड्स और की टर्म्स इन दिस थ्योरी। सो फर्स्ट वन इज अ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव ले गए हम इसको कि ये पॉजिटिवली आपको कोई एक रिजल्ट शो करेगा। पनिशमेंट के अकॉर्डिंग हमने नेगेटिव रखा, दैट इज द पार्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट बट नेगेटिव वन। ये कोई भी पर्सन अगर कुछ गलत करता है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, पनिश करेगा। दैट नॉट बी कि आपको कोई भी टास्क बहुत ही ओवरलोड कर दिया गया या फिर आपको पीटा गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो टास्क नहीं आ रहा है या फिर रॉन्ग कर रहे हो बार बार, तो उसको हम रिमेडियल टीचिंग में डालेंगे एंड मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे सो दैट वो आपको आ जाए। तो दैट इज द पनिशमेंट, दैट इज द पनिशमेंट। उसके बाद होता है जो काम या फिर जो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है आपके लिए, दैट इज नॉट पॉजिटिव फॉर यू और नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, ये सामाजिक धर्म के अकॉर्डिंग या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग अनुसार ये सही नहीं है, तो उस व्यवहार को या गुण को या फिर कैरेक्टर को एक्सटिंक्ट करना है, मतलब विलुप्त करना है, जस्ट लाइक उसे हटा देना है, रिमूव करना है। तो इजी वर्ड्स में री इन्फोर्समेंट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव रिवार्ड है, नेगेटिव रिवार्ड है। पनिशमेंट मीन्स इट इज अ नेगेटिव रिवार्ड लाइक, एंड एक्सटेंशन मीन्स हटाना, रिमूव करना। कोई ये कैरेक्टर आप में बहुत बुरा है तो हम उसको हटाएंगे। तो बी एफ स्किनर का ये तीन वर्ड्स है एंड इसी वर्ड्स के थ्रू उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक रैट के ऊपर, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। रिवार्ड्स आर यूज टू री इन्फोर्स द बिहेवियर यू वॉन्टेड, पनिशमेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट द बिहेवियर यू डू नॉट वॉन्ट। जो बिहेवियर आपको चाहिए तो उसको नरिशमेंट करना पड़ता है। जस्ट लाइक आपको कोई फूड बहुत पसंद है तो आप क्या करते हो, रिपीटेडली उसको ईट करते हो, या फिर सपोज आपको डोसा पसंद है तो रिपीटेडली हम मार्केट जाते हैं एंड डोसा ईट करते हैं, बिकॉज आपको वो पसंद है तो आपको टेस्ट लेना पसंद आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट हो गया, ये कैरेक्टर है। सपोज आपको ये कैरेक्टर नहीं चाहिए, दैट मीन्स वो कैरेक्टर बहुत ही बैड है, या इन द सेंस बोल सकते हैं कि बैड थिंग्स को वो प्रमोट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है एंड नेचर में या सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ला रहा है, झगड़े ला रहा है, तो वैसे टाइप का जो भी कंसेप्ट होता है या फिर कैरेक्टर होता है उसको हम नहीं चाहते, तो पनिशमेंट के थ्रू उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्शन इज ए मींस टू स्टॉप समवन्स फ्रॉम परफॉर्मिंग ए लर्न्ड बिहेवियर। एक्सटिंक्शन क्या होता है कि हम किसी चीज को स्टॉप करना चाहते हैं, जस्ट लाइक वो बढ़े ना या फिर वो हट जाए, ऐसा पूरा डायरेक्टली हम बोल रहे हैं। पनिशमेंट के थ्रू कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगे, मॉडिफाइड होंगे, बट एक्सटिंक्शन के थ्रू डायरेक्टली वो रिमूव्ड हो जाएंगे, कोई एक पाथवे से वो रिमूव्ड हो जाएंगे या फिर आपके कैरेक्टर से वो रिमूव्ड हो जाएंगे, कोई एक गेम से एक पर्सन रिमूव्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ हर बैड बिहेवियर और रूड बिहेवियर, उसकी वजह से वो रिमूव हो गया। आर यू क्लियर? ये तीन पॉइंट क्लियर है, री इन्फोर्समेंट, एक्सटिंक्शन एंड पनिशमेंट। इसके अकॉर्डिंग माइंड में फिक्स कर लो, एवरी एग्जाम में
एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन फिक्स्ड मिल जाएगा, ठीक है, माइंड में आज से फिक्स कर लो, इसको बोलना नहीं, ये पैराग्राफ थोड़ा याद रख लेना। एंड ये स्कीनर का जो कंसेप्ट है ये थॉर्नडाइक के बाद आया था, तो पजल बॉक्स के अकॉर्डिंग ये सेकंड पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में थॉर्नडाइक है। ये दो क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली मोड पे आता है, ठीक है। सो ये जो टोटल प्रोसेस है टेक्निकल टर्म वाइज, टेक्निकली या फिर हम बोल सकते हैं इसको एजुकेशन के बेसिस पे, लर्निंग के माध्यम से, अधिगम के माध्यम से इसको हम बोल सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, बिकॉज हम ऑपरेशन में जा रहे हैं। क्या होता है ऑपरेशन? एक मिशन टाइप होता है जहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है प्रोसेस को, मतलब हम उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, कुछ रूल्स वहाँ पे फिक्स रहते हैं, एंड उसके थ्रू उसको हम जज करते हैं, उसके बिहेवियर को जज करते हैं कि तुम में कौन सा अच्छा बिहेव है कौन सा बुरा है, उसके अकॉर्डिंग हम रिमूव करेंगे या फिर मॉडिफाइड करेंगे। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये की कांसेप्ट है ना, किसका है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी का। अभी रीइंफोर्समेंट थ्योरी का जो फंडामेंटल पॉइंट्स है, फिर से वही तीन पॉइंट्स आए, उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। जब भी आप कॉपी में लिख रहे हो ना, नोट डाउन कर रहे हो, तो उसको प्लीज हाईलाइट करना, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सपोज ये तीन वर्ड्स को हमें फोकस करना है, फोकस करना है तो हम अलग कलर पेन से या फिर जस्ट लाइक स्केच से अंडरलाइन कर देंगे, तो उसी पॉइंट्स को आप रिमेंबर कर सकते हो, एंड पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश आल्सो। ये पॉइंट ही अलग करता है एक थ्योरी को दूसरे से, ठीक है। अभी रीइंफोर्समेंट थ्योरी को हमने क्या किया ना, दो पॉइंट में डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव वन क्या होता है, मैंने बहुत बार इसको बोल दिया है, तो फटाफट देखते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑकर्स व्हेन द कॉन्सिक्वेंस रिजल्टिंग इन द बिहेवियर यू आर अटेम्प्टिंग टू प्रोड्यूस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजायर्ड बिहेवियर विल कंटिन्यू। किसी भी बच्चों में आपने देखा, फॉर द फर्स्ट टाइम एक बच्चा ओम से आया, बर्थ हुआ, दैट मीन्स उसका बर्थ हो गया, आफ्टर दैट वो जब ग्रो कर रहा है तो एक ना उसमें कुछ अच्छा बिहेवियर दिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कुछ ऐसा कैरेक्टर शो किया जो कि आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या करने को ट्राई करोगे, उसको नरिश करने को ट्राई करोगे, मतलब वो कैरेक्टर को नरिश करोगे, ना कि उसको फूड तो मिल रहा है, न्यूट्रिशंस मिल रहा है। जब बच्चे अच्छे काम करते हैं, जस्ट लाइक आप चाहते हो आपका डिजायर है कि बच्चा गाना सीखे, जब गाना सीखता है अच्छा लगा आपको, सो आप उसी चीज को नरिश करना चाहते हो, उसके उसी कैरेक्टर को नरिश करना चाहते हो, ओके, उसी कैरेक्टर को नरिश कर रहे हैं, तो उसी कैरेक्टर को जब नरिश कर रहे हो तो ये बोला जाता है दैट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दैट इज नॉट नेगेटिव वन। अगर बाय चांस कभी भूल गए तो मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इफ ए सेल्स पर्सन परफॉर्म्स वेल दैट सेल पर्सन मे रिसीव ए बोनस, इतना ये पॉइंट को याद रखें। यही होता है पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, या फिर सपोज आप कोई रेस्टोर जाते हो, रेस्टोर में जाके क्या करते हो, खाना खा लिए, जो भी सर्विंग वाला पर्सन था, हम वेटर बोलते हैं या वेट्रेसेस जो भी रहेंगे, वो अगर सर्व बहुत अच्छे से करते हैं, आफ्टर दैट आप उसको टिप्स देते हो, तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर वो बेटर परफॉर्म करता है, बहुत ही अच्छा बिहेव करता है, फ्रेंडली है, एंड आपको बहुत रिस्पेक्ट दे के बात कर रहा है, देन आपको अच्छा लगता है, तो आप 50 rupees, 60 rupees भी टिप दे देते हो। अगर अच्छा बिहेव नहीं किया एंड खाना आपको अच्छा नहीं लगा, देन 10-20 में भी आ जाता है। ये नॉर्मल सा बिहेव है पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग। तो जैसा जो बिहेव करता है उसका जो रिजल्ट आते हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो आप थिंक करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली कुछ एक हम नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर बोनस देते हैं, या फिर रिवार्ड्स देते हैं, तो दैट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सेकेंडली क्या आ गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव मीन्स पूरा जो भी पॉइंट ऊपर था उसका नेगेटिव थिंक कर लेना, बाकी और कुछ भी नहीं है। जस्ट लाइक इट ऑकर्स व्हेन ए नेगेटिव कंसिक्वेंस इज withheld if the behavior you desire is demonstrated and which will increase the probability that the behavior you are seeking will continue. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, आपके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो, इफ आपने नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को ऑब्जर्व किया पर्सन में, बिकॉज आपने उससे पहले ही उसको मेंशन किया था कि मैं तुम्हें पॉजिटिव बिहेवियर चाहता हूँ, फिर भी वो वहाँ से डेविएट आउट होता है एंड उसका रिजल्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ही और शी विल नॉट बिहेव लाइक और बिहेव अकॉर्डिंग टू योर विल, आपके अकॉर्डिंग वो बिहेव नहीं कर पाया या फिर नहीं कर रहा है या फिर नहीं करेगा, ऐसा थिंक करते हो, देन उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो हम क्या चाहेंगे, सपोज आपके रेस्टोरेंट में अभी क्या है, ऐसे वेटर्स हैं जो कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, कुछ लोगों को पार्शियलिटी करते हैं, कुछ लोगों को वो जस्ट लाइक थिंक करते हैं कि ये लोग आने नहीं चाहिए, ऐसा बिहेव करते हैं, एंड रूडली बिहेव करते हैं, देन क्या करोगे, उस वेटर को हम निकाल देंगे। तो ये हो गया नेगेटिव वन। बच्चों में हम बोले तो जो सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों का नॉलेज कम होता है तो उनमें अगर हम नेगेटिविटी और डालते हैं तो वो बुरे हो जाएंगे, जस्ट लाइक वो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, तो उनका जो डर है उसको यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में डालना है, दैट इज वो कैरेक्टर को हटा दो एंड पॉजिटिवली बिहेव को नरिश करो। इतने पॉइंट्स हैं।
यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफिसेस के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, ऑफिस और एनी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, तो उसको आप शॉर्ट ही मेंशन करेंगे बिकॉज इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, शॉर्ट है. एंड लास्ट में आपको अगेन मेंशन करना पड़ता है डिफरेंस बिटवीन आपका जो पैवलोव का कंसेप्ट है इसका. तो आप क्या करोगे, थ्योरी को मेंशन करो, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मस्ट लिखेंगे, एंड उसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स आपके माइंड से आ रहा है आप मेंशन करोगे अकॉर्डिंग टू एजुकेशन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू एनी रेस्टोरेंट या कोई भी जगह पे इंस्टीट्यूशन बेसिस और कोचिंग बेसिस और एनी वर्क बेसिस, कहीं भी आपको कुछ पॉइंट खराब लगता है सोसाइटी के विद इन जो भी हो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग. क्लियर है इतना? ये सुन लो. ओके, पनिशमेंट कब होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो पढ़ लिया, इतना सारा एग्जांपल था वो हम पढ़ लिए. अभी पनिशमेंट क्या आता है? पनिशमेंट ऑकर्स व्हेन यू इंपोज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस टू रिड्यूस एन अनडिजायरेबल बिहेवियर. आप चाहते हो अनडिजायरेबल मतलब आपका डिजाइन नहीं है, आप नहीं चाहते हो कि वो कैरेक्टर आए, तो उस कैरेक्टर को रोकने के लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर किसका रिजल्ट था? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का. That means consequences means होता है result, one kind of result बोल सकते हैं हम इसको. So आप जो भी काम करोगे वो अगर negatively result देता है and उस negative result के according आपके behavior भी negative type होते हैं, तो हम क्या करते हैं उस work को या फिर उस behavior को रोकने के लिए, reduce करने के लिए, कम करने के लिए punishment use करते हैं, punishment use करते हैं. So while negative reinforcement involves withholding a negative consequences, negative reinforcement उसके साथ, withholding means उसके साथ, ठीक है, with this उसको हमने थोड़ा सा अच्छा वर्ड यूज किया, withholding a negative consequences to encourage a desirable behavior and removal of undesirable behavior. जब ये दोनों साथ होते हैं then क्या होगा, because negative consequences plus negative reinforcement equals to nourishment provided to desirable behavior not undesirable behavior. मतलब आप जो चाहते हो, आपका डिजायर जो बोलता है, आपका माइंड जो बोलता है, विल चाह जो होती है कि बच्चों में ये कैरेक्टर होना चाहिए, ये नहीं. सो ये जो कैरेक्टर था हम हटा रहे हैं एंड पॉजिटिव कैरेक्टर भर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग योर वेजेस डॉक्ट फॉर बींग लेट टू वर्क इज ए पनिशमेंट दैट इज इम्पोज्ड ऑन लेट वर्कर्स टू डिस्करेज वर्कर फ्रॉम बींग लेट. दिस इज एन अनडिजायरेबल बिहेवियर. सो ये होता है कि सपोज और मैं इजी एग्जांपल और एक दे देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट मैंने कर दिया. सो इजी एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये सपोज आप एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो आपके ऑफिस में क्या हो रहा है कि डस्टबिन बहुत सारे हैं, डस्टबिन में वर्कर्स ने क्या किया, बहुत सारे कचरे डाल दिए. अभी आप क्या चाहते हो, टाइम टू टाइम क्लीनर वाला आए, क्लीन करे एंड वो चला जाए. क्लीन करने से एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा एंड प्रोटेक्टेड हो जाएंगे हम लोग. सो आप चाहते हो, दैट मीन्स योर डिजायर इज क्लीनर फटाफट से आ जाए, क्लीनर विल कम वेरी फास्ट एंड क्विकली क्लीन ऑल द थिंग्स और गेट आउट ऑल द स्टफ्स, वेस्ट स्टफ्स, जो भी गंदा चीज है उसको आउट करे. बट समटाइम्स क्या हो गया, वो फेलियर हो गया ड्यू टू एनी इश्यूज, वो नहीं आया. तो आपके डिजायर से अगर हटके हुआ, आपके चाहत से अगर हटके हुआ एंड वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज कॉल्ड अनडिजायरेबल बिहेवियर. ठीक है, सो ये पॉइंट्स हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, मैंने मेरे अकॉर्डिंग दिया था. हाउएवर, पनिशमेंट इज ऑफन यूज्ड एज ए लास्ट रिसॉर्ट in an attempt to re-save the employee's behavior. Resort, that is reshorting, मतलब arrangement, one kind of arrangement. Punishment क्या करता है, जो भी आप काम करते हो उसको re-save करता है. इब आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा modify कर देते हो. That is called reshaping, one kind of character को हमने reshaping किया. मुझे आप पसंद नहीं हो तो मैंने क्या किया, आपको कुछ अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स बताए एंड उसके थ्रू हमने मॉडिफाई कर दिया. इतना ही, ये बच्चों में स्पेशली किया जाता है, जो बच्चे स्कूल्स आते हैं एंड उनमें से कुछ बच्चा रहता है जो कि अच्छे से बिहेव नहीं करता है या फिर अच्छे से वो हमेशा क्या रहता है, जस्ट लाइक वो थिंक करता है वो बॉस टाइप है, मतलब बॉसी बिहेवियर दिखाता है या फिर झगड़ा करता है ऐसे टाइप का, तो उनमें ये सब जो बैड रिजल्ट्स हैं, खराब जो रिजल्ट्स हैं उसको हम हटा रहे हैं एंड उसको हटा के जो उनके माइंड में प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसको भी हटा के हमने एक क्लीन बिहेवियर उसको दे रहे हैं. ठीक है, अभी एक्सटिंक्शन क्या है, वहां पे तो पढ़ लिए, यहाँ पे फिर से है. दैट इज एक्सटिंक्शन मीन्स होता है डायरेक्टली कोई चीज को स्टॉप करना, समवन्स लर्न्ड बिहेवियर को आप स्टॉप करो, किसी के भी लर्न्ड बिहेवियर जिसने भी सीखा हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हम सब कुछ सीखते हैं. सीखने के बाद हमें बोला जाता है, सपोज हम बचपन से क्या करते हैं कि हम जंक फूड खाते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं बहुत खाते हैं बिकॉज बचपन में हम पतले होते हैं तो बहुत खाते हैं. अभी क्या हो गया, एज बढ़ गया एंड हम एबल नहीं है उतना खाने को. इफ
आई एम लुकिंग फॉर माई गुड हेल्थ, इफ मैं देख रही हूँ कि मेरा हेल्थ अच्छा हो या फिर मैं स्लिम रहूँ, स्लिम ट्रिम रहूँ अच्छा रहेगा. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर उस टाइम का था उसको मुझे रिमूव करना पड़ा या फिर फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ा. दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन, हटाना, पूरा विलुप्त करना. एक्सटिंक्शन का हिंदी टर्म होता विलुप्त या लुप्त करना, दैट इज पूरा हटाना. यू अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश ये बिहेवियर बाय विथहोल्डिंग द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. जब आप किसी चीज को हटा रहे हो तो नेगेटिविटी हटा तो उसके प्लेस में कुछ तो चीज आएगा ना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविटी. जब आप नेगेटिव चीजों को हटाते हो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से भर जाता है एंड वो एनकरेज करता है आपको कि आपका बिहेवियर और भी मॉडिफाई हो एंड आपको प्रोडक्टिव फैसिलिटीज देता है कि आप करो. आपको उतना हम बोल सकते हैं हिंदी में ऊर्जा, दैट इज अ शक्ति और ऊर्जा देता है कि आप और भी मॉडिफाइड हो जाओ और भी ग्रो करो. हो गया. इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेंट थ्योरी और ऑपरेंट लर्निंग. ठीक है, ये तीनों चीज अभी पढ़ लिए, शॉर्टकट में मेंशन है. अगर कंफ्यूजन हुआ उसमें इतना सारा तो उसको शॉर्टली भी मेंशन कर दी हूँ तो उतना लिख सकते हो. ठीक है, अच्छा अभी डायग्राम देखते हैं. डायग्राम में क्या मेंशन है, अभी चूहा बनाना है, चूहा सीखना है. ठीक है, सो आप क्या करोगे, एक मैं ना आपको छोटा सा दो लाइन का पोएम है. ठीक है, याद रखना, आप लोग कॉपी में भी बना सकते हो, ऑलमोस्ट सब लोग जानते भी होंगे. एम नाम का लड़का था, ठीक है, एम नाम का लड़का था, भी क्लास में पढ़ता था, दैट इज क्लास 5. परीक्षा में, एग्जाम में उसने जीरो लाया. ठीक है, एग्जाम में उसने जीरो लाया. मम्मी ने चार डंडे मारे, चार डंडे, 1, 2, 3, 4. पापा ने 2 रुपये दिए. ठीक है, जिनका चूहा नहीं बनता है इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. होगा ये सुन लो या फिर अगेन बताओ, होगा. अच्छा फिर से देखो, ये पूरा याद रखने वाला चीज है. एग्जाम में याद रख लिए तो इतना रफ डायग्राम से तो फुल मार्क्स आ ही जाएगा, दैट इज आपको 13-14 मिलेगा ही मिलेगा, इतना है. ये तो बॉक्स आप लोग बना लोगे फटाफट से, उसमें ऐसे रेड ग्रीन का मार्क नहीं कर सकते बिकॉज आप पेन पकड़े हो ब्लू. तो आप क्या करोगे, ब्लू एंड ब्लैक का मार्क करोगे. ठीक है, उसके सामने क्या रखोगे, फूड एंड यहाँ पे लाउड स्पीकर. जब भी उसको कुछ ओपन करना है, क्लोज करना है, तो उसके पास क्या रहेगा, एक ऑप्शन है. अगर वो ये हो गया स्विच, स्विच को वो ओपन करता है. ठीक है, अगर पॉजिटिव पे और जाता है, पॉजिटिवली और ट्राई करता है कि वहां से वो आउट हो जाए, देन उसको फूड मिलेगा. अगर वो नेगेटिवली किया देन उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा. ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ था. अच्छा अभी देखो, यहाँ पे फिर से मैंने बोला एम नाम का लड़का है. ठीक है, भी क्लास में पढ़ता है, भी परीक्षा में जीरो लाया, हो गया, उसके आईज बन गए. पापा ने, यहाँ पे मम्मी ने बोला, मैंने पापा भी बोल सकते जिससे जिसको डर लगता है, पापा ने या मम्मी ने चार डंडे मारे, चार डंडा बनाओ बिकॉज दो पैर उसका चार पैर है तो दो आगे का दो पीछे का, हो गया चार डंडे. एंड मम्मी ने 2 रुपये दे, ये पूछ पूरा निकाल देना. हो गया, इतना रफली बना देना, हो जाएगा, हो जाएगा. तो एंड मूछ बना, ओके, यहाँ से ऐसे, हाँ हो गया. चलो नेक्स्ट चलते हैं. अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, इलेक्ट्रिफाइड ग्रिड, ग्रिड मेंशन है. अगर वो नेगेटिव करेगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करेगा या नेगेटिव ट्रायल्स लेगा, देन उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक मिलेंगे. ये रेस्पॉन्स लीवर है. लीवर मींस आपको पता है, पहले भी पढ़े थे, थॉर्नडाइक में पढ़े थे, दैट इज अ लीवर मींस ऐसा जो हम बंद करते हैं, डोर को जो बंद किया जाता है उसको हम लीवर बोलते हैं. ये अगर अप कर दिया तो ग्रीन लाइट जलेगा एंड वो बाहर निकलेगा, फूड उसको मिल जाएगा या फिर फूड आएंगे प्लेट के थ्रू एंड थोड़ा थोड़ा वो खा पाएगा, ऊपर से फूड ऐसे गिरेगा एंड उसको खाने को मिलेगा. ईप उसने नीचे की तरफ किया तो रेड लाइट जलेगा, रेड लाइट जला मीन्स यहाँ पे ग्रिड्स ऑन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिफाइड ग्रिड्स ऑन हो जाएंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा एंड उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहा. पॉजिटिव वन इज द ग्रीन लाइट एंड उसके साथ रिस्पॉन्स जो रहा उसका फूड. अगर वो पॉजिटिव वर्क करता है तो रिवार्ड मिला उसको फूड, अगर नेगेटिव करता है तो इलेक्ट्रिक शॉक. इतना याद रखना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अच्छा चलो, अभी स्कीनर का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बॉक्स का जो पूरा कंसेप्ट है, दैट इज स्कीनर कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद ए रैट. हाँ बोलो. हाँ यस, स्पीकर ऑब्जर्वर जो रहेगा ना वो साउंड देगा. जो भी ऑब्जर्वर है वो अभी उसको, देखो तुमको थोड़ा सा डराना है, जस्ट लाइक बिग बॉस, हो गया, तो वहाँ पर डराने के लिए या टास्क देने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा कुछ गेम बोलते हैं या कुछ करते हैं, वैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर जो रहेगा या सीन कर रहा है या फिर ऑब्जर्व कर रहा है वो यहाँ पे उसमें क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा. हाई साउंड जहाँ पे रैट डर जाए, डर के वो कुछ कुछ ट्रायल्स ले, नेगेटिव ट्रायल्स भी ले, पॉजिटिव ट्रायल्स भी ले, तो उसको पता चले कौन सा रेस्पॉन्स कैसे देना है. ठीक
ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर के लिए वो स्पीकर है, ओनली साउंड आएगा वहां से, कुछ भी हम नेगेटिवली या फिर पॉजिटिवली कुछ हाई साउंड दे सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ हवा विंड जैसा चलाते हो वैसा कुछ विस्लिंग साउंड दे सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्पॉन्सेस देखने के लिए कि वो क्या क्या बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू साउंड ऑल्सो, ठीक है। अब स्किनर जो कंडक्ट किए एक्सपेरिमेंट, ठीक है, किसके ऊपर था, रैट के ऊपर था, एक बॉक्स को लेके ओनली। सो द बॉक्स हैड अ लीवर, एक लीवर है इनसाइड में, आउटसाइड नहीं है, थॉर्नडाइक में आउटसाइड था, यहाँ पे इनसाइड है, व्हिच वुड बी ऑपरेट टू ओपन द डोर। इसको हम यूज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब अप डाउन और ऑन ऑफ ऐसे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डोर से बाहर जा सकते हैं या फिर अंदर आ सकते हैं, इतना है। अगर वैसा हुआ, पॉजिटिवली हुआ, सो पॉजिटिव का रिवार्ड क्या था, उसको खाना मिलेगा। इफ एनी वन टाइम वो क्या करता है, ग्रीन लाइट को ऑन कर देता है, अप करके, लीवर को अप करके, तो उसको फटाफट खाना मिल जाएगा। अगर वो नहीं कर पाता एंड डाउन करता है हमेशा, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेंगे, इतना ही था। तो फाइनली वो बहुत सारा ट्रायल्स लेगा, जस्ट लाइक बिल्ली जो ले रही थी ट्रायल्स, वैसे ही ट्रायल्स है यहाँ पे भी, कैट जो ले रहे थे। वेरियस अटेम्प्ट्स मेट बाय द रेट वेर ऑब्जर्व, यहाँ पे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, द रेट ट्राइड इन वेरियस अटेम्प्ट्स एंड फाइनली कम आउट एंड ईट द प्लैट्स। पैलेट्स हैं यहाँ पे, इट द पैलेट्स बोल सकते हैं, सीड्स बोल सकते हैं, सीड्स मीन्स भी पैलेट्स और ग्रैन्यूल जैसा रहता है। ग्रैन्यूल मीन्स क्या है, दानेदार, ठीक है, दानेदार, गोल गोल दाना, कुछ भी हम खाने को दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, फूड स्टफ्स, दैट इज कॉल्ड दानेदार और पैलेट्स और सीड्स बोल सकते हैं। ये सीड्स मतलब नहीं होता है कि आपका प्लांट सीड्स है, ये सीड्स मीन्स फूड सीड्स को हम बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो निवाला बोलते हैं हिंदी में ना, उसको हम सीड्स भी बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो ये हो गया क्या, मैंने आपको मेंशन किया था कि यहाँ पे फूड या पैलेट्स जो फूड ग्रैन्यूल्स हैं वो हो गए रिवार्डिंग टाइप, तो ये रीइंफोर्समेंट है पॉजिटिव। दैट मींस स्लोली द रेट न्यू द प्रोसेस टू ओपन, उसको प्रोसेस पता चल गया कि कैसे ओपन करना है द लीवर टू ओपन, यहाँ पे डबल रिपीट हो गया, टू ओपन द लीवर, यहाँ पे यहाँ तक रहेगा, ये पॉइंट अगेन रिपीट हो गया। ओके, द स्किनर मेंशन दैट थ्रू प्रॉपर वे ऑफ रीइंफोर्समेंट बिहेवियर कुड बी चेंज और सेट। ऐसे ही अगर हम रीइंफोर्स करते रहे प्रॉपरली, उसको वन टाइम पता चला कि यहाँ पे ऐसे ग्रीन लाइट को ऑन करने से लीवर को ऊपर की तरफ अगर करते तो फूड आ जाएगा एंड मुझे खाना मिलेगा, तो इससे क्या हो गया, पॉजिटिविटी, वो बाहर जा सकेगा एंड खाना खाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो बार बार ट्रायल्स हुआ उससे उसका बिहेवियर मॉडिफाइड हो गया, उसको रीशेपिंग किया गया, चेंज किया गया, तो वो पॉजिटिव बिहेवियर सीख गया। एंड नेगेटिवली जो वो कर रहा था, दैट इज पनिशमेंट क्या मिला, इलेक्ट्रिक शॉक। एक बार इलेक्ट्रिक शॉक आया तो नहीं भाई ऐसे नहीं करना, ये नेगेटिव थिंग्स को रोकने के लिए है, तो इसको रोका गया, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो ऑपरेशंस होते हैं तो कौन सी चीजों के लिए होते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज द सेपिंग, आपके बिहेवियर को सेपिंग करने के लिए होता है, ठीक है। सेपिंग, दैट इज सेपिंग इंप्लाइज द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी मॉडिफाइड एग्जैक्टली और डिजायरेबली व्हाट यू वांट थ्रू द और विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। आप जो चाहते हो बिहेवियर बच्चों में डालना, तो ये प्रोसेस के थ्रू, सेपिंग के थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हो। जस्ट लाइक बच्चे छोटे हैं तो उनका माइंड भी ब्लैंक है, तो हम उसमें जो भरेंगे, अगर हम घर पे झगड़ा करते हैं वो भी उनके माइंड पे जाएगा, अगर उनको हम ऑलवेज ऑयली या ऐसे कुछ फूड्स देते हैं तो वही वो खाएंगे डायरेक्ट। तो बचपन से इसको सेपिंग में डालना है तो आपको करना पड़ेगा रीइंफोर्समेंट को पॉजिटिव। देन सेकंड वन इज द एक्सटिंक्शन, वहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लिखे हैं, उसी पॉइंट को लिखते हैं कि स्किनर ने यहाँ पे क्या क्या कंक्लूड किया। वन काइंड ऑफ, ये जो बार बार रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन के थ्रू पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग, आप अपने हेयर को या बॉडी को या फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार क्या करते हो, एवरीडे आप सनस्क्रीन यूज करते हो या लोशन कुछ यूज करते हो या प्रोटेक्टिव मैटर से कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए बांधते हो, राइट, या फिर हेयर्स में आप कंडीशनर यूज करते हो, तो ये क्या है, वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस है पॉजिटिविटी, जिसके थ्रू आपके स्किन को या बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो सेम वे में स्किनर ने कंक्लूड किया, कंडीशनिंग इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच अब जो नेगेटिव थिंग्स था उसको हम डिजेनरेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, एंड पॉजिटिवली जो थिंग्स को चाहिए, दैट इज द डिजायरेबल थिंग्स व्हाट यू वांट, उसको हम डाल रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन, स्पॉन्टेनियस रिकवर, दैट इज अ रिकवरी, रिकवरी बोल सकते हो या रिकवर। इट मीन्स दैट, और इट मीन्स इफ द कंडीशन रेस्पॉन्स, इफ द कंडीशन रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स आपको चाहिए था वो रेस्पॉन्स आपने कंडीशन कर दिया, दैट मीन्स उसके अंदर आ गया, बिकम्स एक्सटिंक्ट, जो भी उसके पास था, आप जो चाहते हो डिजायरेबल वो तो उसके पास है, अनडिजायरेबल जो है बट उसका प्रैक्टिस हो गया, लर्न है, आपने पूरा सीख लिया, तो उसको हम क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट का जो नेगेटिव पार्ट है उसके थ्रू एक्सटिंक्ट करेंगे, एंड द रीइंफोर्समेंट इज रीइंट्रोड्यूस्ड इन द रिकवरी सेंस, फिर से कोई चीज को बनाना, रीइंट्रोड्यूस, फिर से डालना, कंसेप्ट को फिर से डालना। सपोज एक बच्चा है, वो कुछ काम को करता है, गलत करता है, तो उसको हमने हटाया, तो ये प्लेस तो ब्लैंक हो गया ना,
उस प्लेस में हमने री इन्फोर्समेंट दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव टाइप उसको अगेन री इंट्रोड्यूस किया, फिर से डाल दिया. ओके अभी देखो नेक्स्ट, अभी फिर से री इन्फोर्समेंट है, सेम पॉइंट में जाएगा. ये एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, एंड ये डिजायरेबल थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है. ये हो गया जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन क्या होता है? जेनरेट करना कोई चीज को, हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिव बनाना, कोई चीज को प्रोडक्टिव बनाना. जनरलाइजेशन द ग्रेटर द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू स्टिमुली द ग्रेटर द जनरलाइजेशन ऑफ द स्टिमुली. सपोज कौन सा स्टिमुली जेनरेट होगा, ये दो स्टिमुली है, ये स्टिमुली टू टाइम्स आया, ये स्टिमुली सिक्स टाइम्स आया, जो पावरफुल होता है एंड जो बार बार रिपीट होता है वो कंडीशन्ड हो जाएगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा आपके बॉडी में. तो दिस वन इज फिक्स्ड. ये क्या हो गया, दो बार ही आया, तो इसका जो रेस्पॉन्स था वो क्या हो गया, रिड्यूस होने लगा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिस. इसके प्रेशर की वजह से वो रिड्यूस्ड हो गया. ठीक है, अभी जो ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है वही तो दिखेगा ना, तो ये जनरलाइज्ड है. जनरलाइज्ड है, जनरल आइडिया जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज को जानने के बाद जनरल आइडिया होता है, ये भी वैसा जेनरेट हो गया, जेनरेट हो गया. ठीक है, एंड इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जो जितना कम आएगा वो डिजेनरेट हो जाएगा. डिस्क्रिमिनेशन, अभी दो स्टिमुली आ रहा है, दो स्टिमुली के अकॉर्डिंग, उसके सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग, उसके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि नहीं वो देखना. सो एक चूहे को भी हम डाल रहे हैं, तो एक टाइप का आया पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस, एक तरफ आया नेगेटिव रेस्पॉन्सेस, बट नेगेटिव वन इज अ वेरी पावरफुल, तो वो बहुत ही पावरफुल है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा डिजेनरेट करने में. जो पॉजिटिव है ये बार बार रिपीटेशन के थ्रू वो फिक्स हो जाएगा. तो दैट इज ये एंड ये टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है, यहाँ पे डिफरेंसेस आ गया, तो उसी डिफरेंस के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दो स्टिमुलस कभी भी सेम नहीं होता, ये अलग अलग है. ठीक है, एंड उसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, उसके बोल सकते हैं हम लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग, उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, स्टिमुल के भी कैरेक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से ये हमारे बॉडी में जेनरेट होता है. ठीक है, क्लियर है इतना? यस और नो, क्लियर है इतना? यस और नो, क्लियर है? ओके, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में चलते हैं, मतलब एजुकेशन में हम कैसे हेल्प करेंगे. आपके बुक में बहुत सारा है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, बट मैंने शॉर्ट करके दिया बिकॉज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑलवेज 4 to 5 points लिखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता. एजुकेशन इम्प्लीकेशन बिकॉज ये लर्निंग टीचिंग का बुक है, तो ऑलवेज एवरी क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द थ्योरीज में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखने पड़ते हैं, कंक्लूजन की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो. सो स्कीनर, पहला जो पॉइंट है, स्कीनर डेवलप प्रोग्राम्ड लर्निंग प्रोसेस बेस्ड ऑन दिस थ्योरी. उन्होंने ना प्रोग्राम्ड लर्निंग का कंसेप्ट निकाला. प्रोग्राम्ड लर्निंग में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोग्राम प्रोग्राम सेट करेगा, ठीक है, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम को क्या क्या फिक्स्ड कर दिया. अभी सॉफ्टवेयर तो रहते हैं लैपटॉप में ही यूज़ होंगे या कंप्यूटर डेस्कटॉप में ही यूज़ होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग पूरे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें फिक्स्ड हो गए. एक ही प्रोग्राम को हम मल्टीपल कंप्यूटर्स में एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोग. अच्छा, अभी अगर इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो एट ए टाइम मल्टीपल पर्सन प्रोग्राम लर्निंग को लर्न कर सकते हैं. ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग को लर्न कर सकते हैं बिकॉज एट ए टाइम एक कंप्यूटर टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर सकता है एंड उसके फॉल्ट्स को वो देख सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम ऐसे सेट हैं, जैसे भी वो टाइप करेंगे उसका आउटपुट मिल जाएगा. इफ उसका आउटपुट रॉन्ग है अगेन वो रिपीट करेगा, दैट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पहला हो गया. अभी सेकेंड वन, बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. बिहेवियर, गुण, कैरेक्टर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सिक्वेंसेस, आपका जो बिहेवियर का रिजल्ट है ना उसी के ऊपर डिपेंड करता है. आप पहले जो बिहेव किए हो, सपोज आप छोटे थे उस टाइम में, जैसे जैसे आपने बिहेव किए उसका रिजल्ट आप बड़े होते होते और भी ज्यादा बढ़ गया, एंड वही आपको फर्दर फ्यूचर में भी इन्फ्लुएंस करेगा. सपोज होता है ना कभी आप किसी के साथ बहुत ज्यादा रेडली बिहेव कर दिया एंड वो उसके बाद रिग्रेट करते हो, खराब सोचते हो कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, तो क्या हुआ, वही रिग्रेट वाला जो बिहेवियर आया ना वो आपको मॉडिफाई कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करोगे. तो ये नेगेटिवली हो पॉजिटिवली हो आपको रिइंफोर्स करता है, ये लिंक्ड होता है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है. अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इज रिकमेंडेड. अभी देखो, प्रोग्राम लर्निंग जब होता है, एक बच्चा अगर बहुत कुछ सीख गया कंप्यूटर में तो क्या करेंगे, दूसरे प्रोग्राम्स को उसको दे सकते हैं, वो उसको लर्न करेगा. तो इंस्ट्रक्शनल बेस्ड होगा, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मतलब पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, पर्सन टू पर्सन ओनली इंस्ट्रक्शंस चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू देयर पेस ऑफ लर्निंग. पेस ऑफ लर्निंग इज रिदम, आपका लर्निंग का स्पीड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा या कोई भी काम को सिखाया जाएगा. नंबर 4, दैट इज टीचिंग मशीन्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस. ठीक है,
इसके ऊपर बेस्ड करके जो आपके TLM मटेरियल्स बनते हैं ना आजकल के, जो स्मार्ट बोर्ड्स बन रहे हैं या फिर इंटरैक्टिव बोर्ड्स बन रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग विजुअली या फिर ऑडियो क्लिप्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो सारी चीज इसी के थ्रू बनते हैं, इसी कंसेप्ट के बेस्ड पे। लास्ट वन, इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग फोबियाज। पर्सन को बहुत सारे फोबिया होते हैं, डर रहता है ना एक एक चीज से, जैसे कि पानी से डर हो गया या फिर हाइट से डर होता है या फिर किसी को आंख से डर लगता है, तो ये अगर आसपास भी आ जाता है तो लगता है कि मैं सेंसलेस हो जाऊंगा या फिर हो जाऊंगी, ऐसे टाइप का आता है, तो दैट इज फोबिया। तो फोबिया को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, डायग्नाइज भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को यूज करके, एंड उसके थ्रू बिहेवियर को सेपिंग कर सकते हैं, सेप प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा देखो, एट ए टाइम अगर कोई चीज़ को रिमेम्बर करना हो, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स और भी डायग्राम्स मैंने दिया क्योंकि आपको समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक बॉक्स के अंदर जैसे ये लीवर को क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन सा लाइट अप हो गया, ग्रीन लाइट अप है, सो ये नीचे की तरफ कर रहा है, तो ग्रीन बजा इसलिए बॉक्स के अंदर फूड आ गया, उसको खाना मिल गया। यहाँ पे क्या हो गया, पनिशमेंट के तौर पर अगर वो अप करता है तो रेड लाइट थोड़ा सा जल जाएगा एंड उसके थ्रू खाना तो नहीं आएगा पहले, उसके थ्रू और क्या होगा, नहीं ये लीवर में करंट आ जाएगा या इलेक्ट्रिक ग्रिड्स के थ्रू ये करंट आएगा एंड उसको शॉक लगेगा। ये डायग्राम्स भी बना सकते हैं, जो इजी लग रहा है वो डायग्राम्स बनाए बेटर रहेगा। यहाँ पे भी मैंने और एक डायग्राम दिया, बिकॉज पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव री एनफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा बिहेव को रिपीट करना है, कौन सा बिहेव को स्टॉप करना है, कौन से बिहेव को मॉडिफाई करना है, आपको पता चलेगा। दो तीन चीजें हैं, फर्स्ट थिंग कौन से बिहेवियर को आपको क्या करना है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, मतलब वो चलते जाएगा सर्कुलर वे पे। दूसरा आया, कौन सा बिहेव को आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन में डालना है, दैट मीन्स उसमें कुछ लू फॉल्स है या फिर रॉन्ग थिंग्स है, उसको करेक्शन करना है। थर्ड वन, कौन सी चीज को इतना नेगेटिव हो रहा है उसको स्टॉप करना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। कंसेप्ट क्लियर है?